गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे HTML वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले बात करते हैं कि इस लैंग्वेज का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का यूज़ एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में वेबसाइट का वेब पेज बनाने के लिए क्या किया जाता है, यानी अगर आपको वेब पेज बनाना है तो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात आती है, इस लैंग्वेज को डिज़ाइन टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में सर्न कंपनी के अकॉर्डिंग किया था, यानी टिम बर्नर्स-ली जो साइंटिस्ट था वो सर्न के अकॉर्डिंग काम करता था और उसने 1990 में इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया। ये साइंटिस्ट एक फिजिशियन था, एक फिजिशियन था जिसके अकॉर्डिंग उसने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को डिज़ाइन किया। इस लैंग्वेज का फर्स्ट वर्जन 1991 में मार्केट में लॉन्च हुआ। उसके बाद टाइम टू टाइम इसके वर्जन को अपडेट किया गया, जैसे 92 के अंदर HTML प्लस आया, 95 के अंदर 2.0 आया, 97 के अंदर 3.2 आया, इसी तरह 99 में 4.01 आया एंड 2000 में 1.0 आया, उसके बाद 5 आया और 2030 के अंदर HTML के रूप में 5 वर्जन को मार्केट में लॉन्च किया गया। ये लैंग्वेज वेबसाइट का फर्स्ट पेज या वेबसाइट को बनाने के लिए काम में ली जाती है। अगर अपन कॉमन जनरली बात करें तो हम बात करेंगे, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं, या तो हमें वेबसाइट बनानी होती है या हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी होती है। या तो हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे या हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे। जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो हमें HTML, PHP, .NET, JavaScript, CSS इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करना होता है। और जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसके लिए हम C++, Java, Python एंड C# इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। हमें पता है कि अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो तो इनको चलाने के लिए आपको कंपाइलर या ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग इन लैंग्वेज का प्रोग्राम चलाया जाता है। इसी तरह से अगर हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हमें पता है वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद उस वेबसाइट को चलाने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है, जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो आपका कोई ना कोई वेब ब्राउज़र या कोई ना कोई सर्वर होता है, जहाँ पर इस लैंग्वेज या वेबसाइट को चलाया जाता है, या तो वेबसाइट पे जनरेट होगी या किसी ना किसी सर्वर पर। अगर हम वेबसाइट की बात करें या वेब ब्राउज़र की बात करें, अगर आप किसी वेबसाइट को किसी वेब ब्राउज़र पे चलाते हो तो इसके लिए या तो आपके PC में इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए, या आपके PC में मोज़िला फायरफॉक्स, या आपके PC में गूगल क्रोम होना चाहिए। अगर ये आपके PC में मौजूद है तो हम अपनी वेबसाइट को किसी भी तरह से एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं। उसी तरह से HTML का वेब पेज चलाने के लिए भी आपको कोई ना कोई वेब ब्राउज़र चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप इसके प्रोग्राम को रन कर सकते हो। यदि हमें HTML लैंग्वेज का सोर्स कोड इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए हमारे पास तीन तरह की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपके कंप्यूटर के अंदर HTML एडिटर होना चाहिए। सेकंड जो रिक्वायरमेंट रहती है, आपके कंप्यूटर में नोटपैड होना चाहिए। तीसरी जो रिक्वायरमेंट रहती है, आपके कंप्यूटर में कोई भी वेब ब्राउज़र होना चाहिए। इन दोनों के अंदर, यानी HTML एडिटर और नोटपैड के अंदर, आपका सोर्स कोड क्रिएट किया जाता है। यानी अगर आप सोर्स कोड बनाना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो तो आप HTML एडिटर या नोटपैड का यूज़ करते हो। इसी तरह से अगर इस सोर्स कोड को रन करना चाहते हो या एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, इंटरनेट एज, मोज़िला फायरफॉक्स,
इस तरह का कोई भी वेब ब्राउज़र आपके कंप्यूटर पे हो सकता है जहां पर इस प्रोग्राम को रन किया जाता है या HTML प्रोग्राम को रन किया जाता है। यानी यूज़र द्वारा सबसे पहले क्या किया जाएगा, HTML के सोर्स कोड को लिखा जाएगा। सोर्स कोड जहां लिखा जाता है वो आपका या तो नोटपैड होगा या आपका कोई भी HTML एडिटर होगा जहां पर सोर्स कोड लिखा जाएगा। उसके बाद कोड को लिखने के बाद आप जो भी कोड आपने लिखा है उसे किसी भी वेब ब्राउज़र पर रन करोगे या एग्जीक्यूट करोगे, जो इनमें से कोई भी आपका वेब ब्राउज़र हो सकता है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, चाहे आपका गूगल क्रोम है या इंटरनेट एड्ज है या मोज़िला फायरफॉक्स है। इनमें से कोई भी आपका वेब ब्राउज़र हो सकता है जहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम के माध्यम से इसके सोर्स कोड को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि जब भी HTML का प्रोग्राम सेव किया जाएगा तो उसके साथ फाइल का जो भी नाम लिखा जाए तो उसके बाद आपको .html या .htm एक्सटेंशन के रूप में लगाना होगा। यानी जैसे ही आपने सोर्स कोड किया, यानी नोटपैड या HTML एडिटर में आपने जो भी सोर्स कोड किया, सोर्स कोड करने के बाद आपको इस प्रोग्राम को सेव करना है और सेव करने के लिए आप सेव कमांड पे जाएंगे या फाइल मेनू में जाके सेव ऑप्शन का सिलेक्शन कर फाइल का नाम देकर उसके बाद .html लगाओगे या .htm एक्सटेंशन के रूप में आप लगाते हो। अगर ये एक्सटेंशन नहीं लगाया तो ये फाइल आपकी टेक्स्ट एडिटर फाइल बनती है, इसलिए इस प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र पर रन नहीं किया जा सकेगा। अगर आप .html या .htm लगाते हो तो जैसे ही आपने इस फाइल के साथ ये लगाया तो ये फाइल आराम से या आसानी से इसके सोर्स कोड को किसी भी वेब ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ इस लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर है वो आपका कोई भी वेब ब्राउज़र होगा। यानी किसी भी वेब ब्राउज़र पर इसके सोर्स कोड को चलाने के लिए आपको .html .htm लिखना पड़ेगा, जो कि इंटरप्रेटर द्वारा रीड किया जाएगा, यानी आपके वेब ब्राउज़र द्वारा रीड किया जाएगा। यहाँ पर वेब ब्राउज़र आपका एक इंटरप्रेटर का काम करता है जो इस सोर्स कोड को रीड करता है। इस लैंग्वेज यानी आप ये कह सकते हो कि HTML लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम क्रिएट होता है उस वो एक स्टैटिक टाइप का होता है, यानी इसके थ्रू बनाया गया प्रोग्राम आपका स्टैटिक होता है। इसी तरह से HTML लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इसका प्रोग्राम बनाते हो। जैसे स्टार्टिंग में दे रखा है एलिमेंट, सेकंड में दे रखा है टैग और थर्ड में दे रखा है एट्रीब्यूट्स, जिनका यूज़ करके हम HTML का प्रोग्राम बनाते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये HTML एलिमेंट क्या चीज़ है जिसके थ्रू आप अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हो। तो HTML एलिमेंट का मतलब होता है HTML की जो स्ट्रक्चर है, यानी जो भी HTML की स्ट्रक्चर है वो आपका HTML एलिमेंट कहलाता है। यानी अगर मैं ये कहूँ तो सबसे पहले लिखा जाएगा HTML, उसके बाद लिखा जाएगा हेड, उसके बाद लिखा जाएगा टाइटल, और यहाँ टाइटल बंद करना होगा, और उसके बाद लिखा जाएगा बॉडी, और कुछ इस तरह से बॉडी को बंद करना होगा, फिर आपका हेड बंद होगा, और सबसे लास्ट में आपका HTML बंद होगा। यानी HTML लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है वो आपकी स्ट्रक्चर एलिमेंट या HTML लैंग्वेज के एलिमेंट कहलाते हैं जिनके थ्रू आप अपना HTML का प्रोग्राम बना सकते हो। यानी ये एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो आपको करना ही पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग HTML का प्रोग्राम बनेगा। और इस स्ट्रक्चर का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले HTML लिखा जाएगा, यानी जो भी ओपन किया जाएगा वो HTML, और सबसे लास्ट में इसको आप क्लोज करोगे। उसी तरह सेकंड पोजीशन हेड की है, थर्ड पोजीशन टाइटल की है, फोर्थ पोजीशन पे बॉडी, और बॉडी को बंद, फिर लास्ट हेड को बंद। देन इस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जिसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है या इस लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया जाता है। अगर अपन इसके एलिमेंट का विवरण लें तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में HTML लिखा गया है ये आपका रूट एलिमेंट कहलाता है। यानी इसकी स्ट्रक्चर की शुरुआत किससे होगी, रूट एलिमेंट से होगी।
सेकंड हैड आपका हेडिंग के लिए या हेडर के लिए कहलाता है, जिसके थ्रू आप हेडर डिफाइन करते हो। थर्ड आपका टाइटल लिखा है, जो हेड का ही सब कंपोनेंट है, यानी टाइटल का यूज टाइटल देने के लिए किया जाता है, जो कि हेड का एक सब कंपोनेंट है, जो आपको टॉप पे दिखाई देता है। इसी तरह से हेड के कुछ एक और भी सब कंपोनेंट है, जैसे आपका स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल हो गया, बेस हो गया, लिंक हो गया, मेटा हो गया, ये कुछ इस तरह के सब कंपोनेंट हैं जो हेड के बाद लगाए जाते हैं या हेड के अकॉर्डिंग काम में लिए जाते हैं, जो हेडर के रूप में वेबसाइट या वेब पेज पर यूज़ होते हैं। उसी तरह से ये वाला जो बॉडी है, ये इसका बॉडी फॉर्मेट कहलाता है, जहां पर आप मैसेज स्टेटमेंट के रूप में वेब ब्राउजर पर दिखाते हो। देन लास्ट में आप एचटीएमएल एलिमेंट के रूट एलिमेंट को क्लोज करोगे, जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि इस लैंग्वेज का पूरा कोड एचटीएमएल से स्टार्ट होगा और एचटीएमएल में ही क्लोज होगा। नेक्स्ट इसमें आता है टैग, यानी टैग आपका एक रूल ऑफ रेगुलेशन होता है या एलिमेंट पर अप्लाई किया हुआ एक रूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग टैग डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है, कोई भी टैग लिखा जाएगा हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। टैग जो होगा वो केस सेंसिटिव नहीं होगा, यानी ये कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिखा जा सकता है। चाहे तो आप स्मॉल में लिखिए, चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखिए, कोई भी टैग होगा वो ओपन होगा या क्लोज होगा। यानी जिस टैग को आपने ओपन किया है उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। बट कुछ एक कंडीशंस होती हैं, कुछ एक टैग ओपन किए जाते हैं बट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टैग जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो एम्प्टी टैग की आती है, सेकंड जो कैटेगरी आती है वो कंटेनर कैटेगरी की आती है। यानी पहली कैटेगरी एम्प्टी होगी, सेकंड कंटेनर होगी, यानी ऐसे टैग जिनको केवल ओपन करना पड़े, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके एम्प्टी टैग कहलाते हैं। जैसे हेड हो गया, एचआर टैग हो गया, बीआर टैग हो गया, ये टैग ऐसे टैग हैं जिनको केवल ओपन करने की आवश्यकता होगी, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ डू नॉट क्लोज, और ऐसे टैग जिनको ओपन किया जाएगा तो क्लोज भी करना पड़ेगा। यानी जैसे आपने HTML लिखा, बॉडी लिखा, ये टैग ऐसे टैग हैं जिनको अगर आप ओपन करते हो तो इनको क्लोज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये प्रोग्रामिंग में एरर शो करेंगे। क्लियर? यानी टैग जो होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग ऐसे टैग जिनको केवल ओपन किया जाए, क्लोज करने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपके एम्प्टी टैग होते हैं। कंटेनर टैग ऐसे टैग जिनको ओपन भी किया जाएगा तो क्लोज करना पड़ेगा, यानी जैसे एचटीएमएल टैग या बॉडी टैग। इस तरह से काफ़ी सारे टैग हैं जो आपके कंटेनर की कैटेगरी में आते हैं। एवरी टैग जो होता है वो कोई ना कोई एट्रीब्यूट रखता है, यानी एट्रीब्यूट एक ऐसा एलिमेंट वैल्यू होती है जो एवरी यूज़र द्वारा डिफाइन की जाती है, और ये उसकी लुक या उसकी फीलिंग्स को बताती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका पेज डिज़ाइन होता है। यानी आप ये कह सकते हैं एट्रीब्यूट जो होता है वो नंबर ऑफ कोई ना कोई वैल्यू रखेगा, जिससे उसका पेज डायनेमिक लुक से बनाया जा सकता है। यानी एट्रीब्यूट जो होगा वो टैग नेम इक्वल के बाद डबल कोट्स में किसी ना किसी वैल्यू के रूप में डिफाइन किया जाएगा। यानी जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी टैग हैं वो कोई ना कोई एट्रीब्यूट रखेगा। अगर वो कोई ना कोई एट्रीब्यूट रखेगा तो उसकी कोई भी वैल्यू इक्वल के बाद या डबल कोट्स के अंदर लिखी जा सकती है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना एचटीएमएल का पेज एक अच्छा और क्रिएटिविटी के रूप में बना सकते हो।